राजधानी दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों के बीच धीरे धीरे बाजार, मॉल, मेट्रो सभी कुछ पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। उसके बावजूद दिल्ली के सिनेमाघर अभी नहीं खुले हैं। सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि इस महीने के अंत तक सिनेमाघर नहीं खोले जाएंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार नेहरू प्लेस स्थित सत्यम सिनेमा पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से लंबे चले लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए सिनेमा हॉल को अब खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोमवार से दिल्ली सरकार और DDMA ने ये आदेश जारी किया है कि सिनेमा हॉल राजधानी दिल्ली में 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन आदेश मिलने के बाद भी दिल्ली में सिनेमा हॉल खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी हम आपको दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित सत्यम सिनेमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको आईनॉक्स के द्वारा संचालित किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये किस तरीके से बंद पड़ा हुआ है। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान सिनेमा हॉल भी लॉकडाउन के दौरान बंद था और इसको खोलने की अनुमति आज से राजधानी दिल्ली में दी गई है। और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर सन्नाटा और पसरा हुआ है। यहाँ के संचालित करने वाले लोगों की माने तो उनका कहना है कि अपनी तैयारियों की वजह से अभी ये सिनेमा हॉल नहीं खुल पा रहा है। आने वाले दिनों में, मतलब इस महीने के आखिरी तक सिनेमा हॉल खुल पाएंगे। बता दें, कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, पाबंदियां लगाई गई थी, उसी के तहत सिनेमा हॉल को भी अभी तक बंद रखा गया था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में मिली रियायतों के बाद सिनेमा हॉल को भी खुलने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन अपनी तैयारियों की वजह से नेहरू प्लेस का सत्यम सिनेमा आज नहीं खुल पाया है।